आज इसे ब्लैक डे के दिन अपनी शुरुआत हो रही है सरकार के खिलाफ। अब अपन को हर दिन हर मोर्चे पर हर जगह पूरा अपन को विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। कही थी पर साथियों इसका बहुत बड़ा गलत विपरीत प्रभाव देश की जनता पर पड़ा और देश की जनता को एक गलत से कौन ज्यादा आगे बढ़ा आपको पता है। गुजरात के अंदर किस प्रकार अमित शाह और इनके नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक महीने के अंदर 6 बार गुजरात गए, क्योंकि उनको पसीने छूट रहे हैं। ये राहुल गांधी जी को कमजोर नेता कहने वाले ऐसे लोगों को बचना नहीं है, क्योंकि राहुल जी जब गरीब करे तो मेरा मानना है कि उसी सरकार को बहुत और जवाब देना चाहिए। साथियों मोदी जी ने कहा था कि साथियों रिजर्व बैंक ने आंकड़ा पेश किया है कि 99% करेंसी हमें डिपॉजिट हो चुकी है, अगर 99% डिपॉजिट हो गई करेंसी। अच्छा घर का रुपया लियुड़ा डोनी डोनी फिर तेल वाला कह दो ड्रम दे तो तेल तो बढ़ा दो रुपया तो आप सिस्टम यही है। मांग है कि इस तरीके का कानून नहीं आया जाए, प्रधानमंत्री को आज ये नोटबंदी जो 1 साल पहले जो लागू की थी उसके विरोध में पूरे देश में हमारे पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के तरफ से काला दिवस मनाया गया है, क्योंकि आम गरीब लोगों को इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खास करके किसानों को भी जिस टाइम ये नोटबंदी की थी उस टाइम सीजन का टाइम था और किसानों को खाद बीज लाने के लिए बड़ी तकलीफ हुई थी, इसलिए ये काला दिवस के रूप में हमने मनाया गया है कि जो किसानों के साथ कुठाराघात किया गया, आम गरीब के साथ कुठाराघात किया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने जिस तरीके से लोगों को कहा था कि हमको कम से कम 25 दिन दे दीजिए, इस सारे 50 दिन पूरे प्रदेश के अंदर देश के अंदर शांति हो जाएगी, मगर आज दिन तक वो कोई शांति हुई नहीं। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है और कोई तरीके का हमारे को इसका फ़ायदा नहीं मिला और किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम तो हमेशा इसका विरोध करते रहेंगे, हमेशा कांग्रेस पार्टी हमेशा इसका विरोध करती है और करती रहेगी। कि देखा जाएगा चुनाव में भी, हाँ फर्क देखा जाएगा, गुजरात में देख के आ जाओ, गुजरात में चल रहा है ये विरोध। सर एक सवाल, हाँ। जो बालोतरा से आए हुए एक आपके जनप्रतिनिधि ने कहा कि मीडिया बिकाऊ है, तो मीडिया ने आप की ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बाड़मेर में खरीदा है, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, किसी ने कोई गलत बात कही है उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया हमारे देश का एक तीसरा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, इसलिए हम ऐसी कोई बात हल्की बात नहीं करना चाहते। जनप्रतिनिधि ने कहा बजरंग लाल पालीवाल जो किसी ने कोई गलत बात कही है तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, उनकी निजी राय हो।